सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय है यूपीए का हाल, प्रासंगिकता पर सवाल। संदर्भ है शिवसेना सांसद और उसके मुख्य प्रवक्ता संजय राउत का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि यूपीए अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व अब शरद पवार के हाथ में सौंपना होगा। उनका कहना है कि यूपीए का पुनर्गठन होना चाहिए और शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व मिलने से विपक्ष निश्चित तौर पर मजबूत होगा। शरद पवार को मौका मिलना चाहिए, ये बात संजय राउत ने जो कही है। इसके अंतर्निहित बात यह है कि सोनिया गांधी को अब यूपीए का चेयरमैन नहीं रहना चाहिए। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पार्टी के नेता उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष कोई बताता है, कोई उसे अंतरिम अध्यक्ष बनाता है, लेकिन कुल मिलाकर यूपीए जब अस्तित्व में आया तब से सोनिया गांधी ही चेयरमैन की भूमिका में है। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, उस समय सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक गठबंधन बना जिसका नाम आया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। 10 साल तक इसी गठबंधन की सरकार रही। UPA 1 UPA 2 के नाम से इस गठबंधन को जाना गया। 1 और 2 का नौबत इसलिए आई कि UPA 1 में कई घटक दल जो इसका हिस्सा थे वो UPA 2 बनते बनते घटक दल का हिस्सा नहीं रहे, और UPA 2 की 5 साल की सरकार जो इस देश के अंतर्गत सर्वाधिक विवादास्पद, सर्वाधिक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई सरकार रही, उसकी समाप्ति के बाद यूपीए शायद शब्दों में ही रह गया है। पिछले 7 सालों में यूपीए की कोई औपचारिक बैठक होते हुए हमने नहीं देखी। अब संजय राउत ने जब यूपीए के संदर्भ में, विपक्ष के नेतृत्व के संदर्भ में, विपक्ष की भूमिका के संदर्भ में सवाल उठाया है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस संदर्भ में चर्चा करें कि आखिर यूपीए का हाल क्या है और उसके अंदर कोई संभावना बची भी है या इस संदर्भ में हम अपना समय जाया कर रहे हैं। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। यूपीए के जो तमाम घटक दल हैं उनसे जुड़े हुए प्रतिनिधि हमारे साथ में है। इस मुद्दे पर अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस अहम मसले पर चर्चा को किसी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये सब हम करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा या आज का विचार सूत्र यूपीए के तमाम घटक दलों को संदेश देने वाला है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि यथार्थ से मुंह मोड़ने वाली राजनीति न केवल निरर्थक है अपितु भयावह भी है। यह विचार सूत्र और किसी का नहीं, जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिया हुआ है। जब कभी वह हिंदू महासभा के प्रमुख हुआ करते थे तब 1943 में एक भाषण के दौरान उन्होंने यह उद्बोधन दिया था। दिया विपक्षी दल के तौर पर है, दिया भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्था जनसंघ के संस्थापक के द्वारा दिया गया है, लेकिन विचार है बड़ा तार्किक, बड़ा प्रभावी, बड़ा व्यवहारिक। तो क्या इसके संदर्भ में यूपीए विचार करेगा, वो यथार्थ को जानते हुए कोई निर्णय लेने की कोशिश कर सकेगा, इसी पर हम बात करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से कांग्रेस के दिग्गज नेता बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी खासतौर पर जुड़े हैं। जिन शरद पवार के संदर्भ में जिक्र हो रहा है कि वह नेतृत्व दें, उस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बृजभूषण श्रीवास्तव जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं, जिस शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के बयान के आधार पर यह चर्चा हम शुरू कर रहे हैं, उस शिवसेना के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अनिल सिंह जी हमारे साथ में हैं और हमारे साथ निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार विनोद अग्निहोत्री जी एक बार फिर साथ में हैं। चर्चा की शुरुआत आज हम उलट करते हैं, अमूमन हम राजनेताओं से बातचीत शुरुआत करते हैं और नतीजे पर पहुंचने के लिए अपने वरिष्ठ पत्रकार साथी के साथ संवाद करते हैं। लेकिन आज का विषय ऐसा है जिसमें यूपीए वर्तमान में कहां खड़ा है, इस पर रोशनी देने के लिए विनोद अग्निहोत्री जी से अगर चर्चा की शुरुआत करें तो ज़्यादा मुफीद रहेगा। तो विनोद जी, आप ही बताएं, जिस यूपीए की संभावना के संदर्भ में, यूपीए के नेतृत्व परिवर्तन के संदर्भ में, विपक्ष को प्रभावी तेज तर्रार करने के संदर्भ में बात कही जा रही है, क्या उस यूपीए में कुछ प्राण बचे भी हैं या केवल शरीर के तौर पर ही हम उस यूपीए को देख रहे हैं, एक लाश के तौर पर देख रहे हैं और जिसमें प्राण के संदर्भ में कोई उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही संभावनाओं से भरा हो जाना तो नहीं है, आपका नजरिया? देखिए हिमांशु जी, यूपीए का गठन कब हुआ था? जी, यूपीए का गठन 2004 में तब हुआ जब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने वाली थी जी। तब तमाम सारे गैर भाजपा दलों में मिल करके, जिसमें और भी कई पार्टियां थी, सबने मिल करके
यूपीए का गठन किया था और वामपंथी दलों ने उसका समर्थन किया था बाहर से जी, तब यूपीए का गठन हुआ था। उसके बाद यूपीए की सरकार यूपीए वन चली, उसके बाद जो है यूपीए टू चला 2009 में, जब और ज्यादा ताकत से कांग्रेस जीत के आई, 200 से ज्यादा सीटें लेके आई। लेकिन 2014 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बुरी तरह से हारी, 44 सीटों पर आ गई। और उसके बाद यूपीए जो है उसमें कई उतार चढ़ाव आए। उदाहरण के लिए एक समय ऐसा आया कि जनता दल यूनाइटेड उसका हिस्सा बन गया, बिहार में गठबंधन हो गया कांग्रेस का जी। उसके बाद वो बाहर चला गया। ममता बनर्जी उसमें है तृणमूल की, लेकिन बंगाल में जो है पश्चिमी वो वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। शिवसेना जो एनडीए में थी वो आज कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार चला रही है मिलकर के। तो कुल मिलाकर के अब यूपीए अपने उस मूल रूप में नहीं है जिस मूल रूप में 2004 में था जी। तो निश्चित रूप से यूपीए के पुनर्गठन की आवश्यकता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं संजय राउत के इस राय से सहमत हूँ, क्योंकि तमाम सारे दल इधर से उधर हो गए हैं, तो इसलिए ऐसे में जो है यूपीए का पुनर्गठन तो होना चाहिए। लेकिन अब उसका अध्यक्ष कौन बने? आमतौर पर जब कोई भी गठबंधन होता है, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपीए हो, तो जो बड़े दल का नेता होता है वही उसका अध्यक्ष होता है। जैसे एनडीए की अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी को मिली थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नेतृत्व में बना था, और आज नरेंद्र मोदी जी उसके अध्यक्ष हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है उसके। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज भी संख्या की दृष्टि से भी और विस्तार की दृष्टि से भी जो यूपीए के घटक दल है इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। तो उस हिसाब से कांग्रेस के अध्यक्ष को ही यूपीए अध्यक्ष पद मिलना चाहिए। लेकिन जो स्वास्थ्य की स्थिति सोनिया गांधी की है, जो उनकी सक्रियता में कमी आई है, और राहुल गांधी को अभी कोई विपक्ष के नेता अपना नेता मानने के लिए आज की तारीख में तैयार नहीं है। वो तैयार तब होंगे जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस राज्यों को जीतना शुरू कर दे, और ये हो जाए कि राहुल गांधी एक वोट कैचर नेता हो गए हैं तो सब मान लेंगे उनको नेता, जैसा कि पहले माना था जब वो मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत करके आए थे। लेकिन बाद में फिर स्थिति बिगड़ गई लोकसभा चुनाव के बाद, और कांग्रेस को अभी अपनी जो है जीत का सिलसिला शुरू करना है। तो आज जो चुनौती उसको मिल रही है तमाम घटक दलों से, सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव अभी 3 साल हालांकि है उसमें, लेकिन विपक्ष अभी तय कई राज्यों में चुनाव होना है, 2022 में चुनाव होने हैं, 2023 में होने हैं। तो विपक्ष को अगर एकजुट होना है तो यूपीए का पुनर्गठन तो होना ही चाहिए। वरिष्ठता की दृष्टि से शरद पवार सबसे वरिष्ठ है, कोई उसमें शक नहीं है। सबसे ज्यादा मैं मानूंगा आज की तारीख में जितने नेता है उनमें काबिल नेता है वो, और अगर पूरे संदर्भ में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मटेरियल नेता है वो। अलग बात है कि उनकी पार्टी छोटी पार्टी है, छोटी इसलिए है कि महाराष्ट्र में वो एक तिहाई की पार्टी है, पहले आधे की पार्टी थी, अब एक तिहाई की, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी तीनों मिलके जो है वन थर्ड हो गए। तो उस संख्या की दृष्टि से शरद पवार का दावा कमजोर है, लेकिन वरिष्ठता की दृष्टि से आप उनके साथ में बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल और करता हूं और फिर बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी के पास चलना चाहूंगा। यूपीए का पुनर्गठन होना चाहिए, यह मांग एक ऐसी पार्टी का नेता कर रहा है जो खुद अभी उस गठबंधन का हिस्सा तक नहीं है। शिवसेना जो एनडीए का गठबंधन होती थी वो एनडीए से बाहर आ गई, महाराष्ट्र में सरकार का नेतृत्व भी कर रही है, कांग्रेस और एनसीपी उसके सहयोगी भी हैं, पर यूपीए के घटक दल के तौर पर शिवसेना को अभी तक मान्यता या स्वीकार्यता नहीं मिली है। क्या संजय राउत ने शरद पवार का नाम इसीलिए उछाला है कि आप शरद पवार को बनाए ना बनाए पर कम से कम हमें यूपीए का हिस्सा तो बनाए, इस दिशा में तो विचार करें, क्या कहते हैं आप? जी विनोद जी आपने शायद म्यूट का बटन दबा दिया है, मुझे लगा कि शायद आपने सवाल अनिल सिंह जी से पूछा है इसलिए मैंने। नहीं नहीं, यह सवाल आपसे ही था, इसके बाद में फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि शिवसेना गठबंधन से सरकार चला रही है कांग्रेस के साथ, लेकिन वो यूपीए का हिस्सा नहीं है जी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यूपीए का हिस्सा है जी, लेकिन वो बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ा राजनीतिक व्यंग है जी। जो पार्टी साथ में है वो यूपीए का हिस्सा नहीं है जी, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं वो यूपीए का हिस्सा है, और वहां कांग्रेस जो है वाम दल के खिलाफ केरल में चुनाव लड़ रही है। तो ये अजीब किस्म की इस समय राजनीति इस देश में हो रही है। तो मुझे लगता है शिवसेना का कि ये बात जायज है कि शिवसेना को यूपीए का हिस्सा होना चाहिए, जब वो कांग्रेस का सरकार चला रही है बड़े राज्य में, तो निश्चित रूप से उसको यूपीए का हिस्सा होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यूपीए की परवाह कर कौन रहा है,
तो मैं एक बार फिर ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी की ओर रुख करने की कोशिश करता हूं। ब्रजेंद्र सिंह जी, ये जानना चाहता हूं, कांग्रेस में तो ये आवाज पहले से ही उठ रही थी कि कांग्रेस को अगर अपने आप को पुनः खड़ा करना है तो एक प्रभावी पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए। पार्टी कह रही है जल्दी ही करेंगे। अब यूपीए के संदर्भ में भी बात उठी है, कुछ गंभीरता से महसूस करते हैं? कितना बोझ सोनिया गांधी जी के इस बीमारी के दौर में आप लोग डाले रखना चाहते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर तो दायित्व निर्वहन हो नहीं पा रहा, यूपीए का चेयरमैन भी आप उन्हीं को बनाए हुए हैं। कोई विशेष मोहब्बत नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जयप्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए के प्रति आपकी, कि एक मजबूत नेतृत्व विपक्ष में खड़ा ही नहीं होने देना है? पूरी ईमानदार कोशिश आपको करनी है कि भूले से भी कोई चुनौती मिल ना जाए इन लोगों को, इसी के लिए समर्पित हो गए हैं क्या आप लोग? देखिए हिमांशु जी, दो तरीके की बातें आपने की जी। एक तो कांग्रेस पार्टी की बात की है, एक यूपीए पार्टी की बात की जी। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप भी जानते हैं सोनिया गांधी न केवल कांग्रेस की देश की बड़ी मजबूत नेता रही और उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, ठीक है। हर किसी का स्वास्थ्य के बारे में नहीं कहा जा सकता, कभी कोई स्वास्थ्य किसी का खराब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है, और स्वास्थ्य की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है। तो यह भी तय है कि बहुत जल्दी जो है नए चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त हो जाएगा जी। यूपीए का जहां सवाल है, यूपीए का गठबंधन जो है कोई राजनीतिक गठबंधन केवल नहीं कह सकते, राजनीतिक विचारधारा का गठबंधन है, मिश्रण है। इसमें सारे पार्टियों के अलग अलग भले ही हों, लेकिन एक विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है और ऐसे लोगों के खिलाफ मिलती है जो राष्ट्र को बात तो बहुत करते हैं जी, लेकिन राष्ट्र के बारे में उतने चिंतित नहीं होते हैं। उनका कहीं ना कहीं अपने झूठ के आधार पर, वैमनस्यता के आधार पर, धार्मिक उन्माद पैदा करके और अपना मतलब हल करना है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक गठबंधन बना है। अब जहां तक सोनिया गांधी जी का सवाल है कि वो रहे, शरद पवार जी के बारे में संजय राउत जी ने कहा है, संजय राउत जी हमारे बड़े जिम्मेवार नेता हैं और अच्छे मजबूत नेता हैं, शरद पवार जी राष्ट्र के बहुत मजबूत नेता हैं, इस पर कोई दो राय नहीं और उनमें अनुभव की भी बड़ी क्षमता है, लेकिन ये निर्णय तो यूपीए के सदस्य लेंगे, ये ब्रजेंद्र सिंह राठौर नहीं ले सकते अकेला कोई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सोनिया गांधी जी को अगर यूपीए का अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं बनाया, ये तो जो है जितने भी गठबंधन हैं जुड़े हुए हैं विचारधारा से मिलते हैं, उन सब ने मिलकर सोनिया गांधी जी को चुना और अभी तक उनको बरकरार रखा है। अगर इसके ऊपर पुनर्विचार करना है तो वही इसमें सक्षम है। राठौर साहब, आप केवल कांग्रेस के नेता नहीं, एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर भी छवि रखते हैं, देश की, समाज की, पार्टी की, सबकी चिंता समय समय पर आप व्यक्त भी करते हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, यूपीए चेयरमैन या कांग्रेस अध्यक्ष कहीं दिखाई नहीं दी मैदान में, किसी भी रूप में नहीं दिखी, क्या आपको लगता है यह अनुपस्थिति यूपीए को मजबूत कर रही है या वाकई यूपीए के स्तर पर इसका विकल्प खोजा जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी अपना जो भी कुछ करना है जब समय आए कर ले, पर यूपीए के संदर्भ में आपको नहीं लगता है कांग्रेस का यह अनिर्णय, कांग्रेस का ये ऊहापोह की स्थिति यूपीए को कमजोर कर रही है? इस सत्य को स्वीकारने से इस कार्यक्रम में ब्रजेंद्र सिंह राठौर को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, या ब्रजेंद्र सिंह जी को लगता है कि इस विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए विनोद अग्निहोत्री जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव और अनिल सिंह की ओर ही मुझे रुख करना चाहिए? नहीं नहीं, ये मैंने आपसे पहले ही किया कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता इस बात के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए सक्षम है यूपीए घटक दल के सभी सम्मानित सदस्य, जितनी भी पार्टियां हैं ये उनको तय करना है। हाँ, ये बात सही है कि वो अपना स्वास्थ्य की वजह से उतना समय नहीं दे पा रही है, मेहनत नहीं कर पा रही है, तो और कांग्रेस के जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सारे जो है अपने तरीके से उसमें लगे हुए हैं, लेकिन ये तय तो कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं कर सकती है। तो आप ही द्विवेदी जी सहमत होंगे, हमारे भाई ब्रजमोहन जी बैठे हैं और भी हमारे साथी जो बैठे हैं, ये तो सारे लोग सहमत होंगे कि अगर अगर ये तय करना है तो सारे गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो गठबंधन में ना भी हो या जुड़ना चाहते हैं, ये सब उनको बैठ के आपस में तालमेल बना के तय करना। तो राठौर जी, आप चाहते हैं कि ये लोग तय करें और सोनिया गांधी को पद से हटाएं, या आपको लगता है गरिमापूर्ण है कि कांग्रेस जो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का दावा करती है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, और वो महसूस कर रही है कि जिसको उन्होंने यूपीए के चेयरमैन के तौर पर दायित्व सौंपा हुआ है उनसे अध्यक्ष के तौर पर दायित्व निभाया नहीं जा रहा है, तो कम से कम यूपीए को तो बख्श दिया जाए,
या आपको लगता है कि स्वयं से पद छोड़ने के स्थान पर घटक दलों को उन्हें अपदस्थ करने का फैसला लेना चाहिए या बनाए रखने का फैसला करना चाहिए? क्या इच्छा है ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी की? सोनिया गांधी जी ने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं इस पर जबरदस्ती रहना चाहती हूँ। भाई सारे पार्टी के लोगों ने उनको जो है चुना और उनको अधिकृत किया कि आप रहिए, अगर अगर विचार विचार बनेगा या उनका स्वास्थ्य नहीं होगा तो वो खुद छोड़ देंगे उस बात को, या फिर लोग आपस में बैठ के भाई परिवार में बैठ के बातें होती है ना, कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब राठौर जी से हम इससे ज्यादा भी उम्मीद कर नहीं सकते हैं, कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता नेता हैं, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। लेकिन हम रुख करते हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी की ओर। ब्रजमोहन जी कितने उत्साहित हैं अपने प्रिय साथी संजय राउत के प्रस्ताव को लेकर, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम आने वाले समय के संदर्भ में शरद पवार को लेकर? देखिए संजय राउत जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जी, और एक बहुत अच्छे नेता होने के साथ साथ राज्यसभा के बहुत प्रमुख प्रखर सांसद भी हैं जी। यदि उन्होंने कोई बात की है तो उसको गंभीरता से ही लेना होगा, उसको नकारा नहीं जा सकता जी। दूसरा महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार का वो एक प्रमुख दल है जी, और यदि वो ये महसूस करते हैं कि उनको एनडीए का यूपीए का हिस्सा होना चाहिए तो निश्चित रूप से जो यूपीए के घटक दल हैं वो सारे बैठ के तय कर लेंगे जी। अब जहां तक बात शरद पवार जी की है तो मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जी और सोनिया गांधी जी के आपसी संबंध बहुत बेहतर हैं। 10 साल तक उन्होंने यूपीए में मंत्रिमंडल में काम किया है, दोनों के विचारों में बहुत सामान्यता है और जब भी कोई मौका आया है तो दोनों एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से ताकत के साथ खड़े रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा ब्रजमोहन जी, ये जितना आप दावा कर रहे हैं ना अतीत के पन्नों को पलटते हुए, पन्ने केवल इतने नहीं पलटे जाएंगे, थोड़े ज्यादा पलटने की जरूरत पड़ेगी। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अस्तित्व में आई वो तभी आई जब सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई, तो संबंधों की मधुरता को इस देश ने शरद पवार के साथ सोनिया गांधी के बहुत तसल्ली से देखा हुआ है। परिस्थितियों में समझौता अलग चीज और परस्पर संबंधों की मधुरता साझेदारी अलग चीज। तो कुल मिलाकर सियासत है, पारिवारिक तौर पर कोई आत्मीयता है, ऐसा अनुभव अतीत की दशकों में देखने को मिला नहीं है। नहीं, आप चूंकि आप बहुत दूर बैठे हैं शायद इसलिए जानकारी आपको नहीं मिली है, लगातार मुलाकात होती रही है। राहुल गांधी जी कई बार व्यक्तिगत रूप से शरद पवार जी की कोठी पर आके दिल्ली में मिले हैं, कई चीजें पब्लिक डोमेन में आई और कई चीजें नहीं आई है। और जहां तक आप संबंधों की बात करते हैं, राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 1977 में जब इंदिरा जी बहुत ताकतवर थी, उस समय पूरे जितने भी गैर ऐसे लोग थे जो इंदिरा जी को सत्ता से हटाना चाहते थे वो सारे लोग इकट्ठे हुए। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी विचारधारा एक दूसरे से नहीं मिलती थी जी। जहां तक भारतीय जनता आज की जो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ थी, उस जनसंघ ने अपना नाम और झंडा बदल दिया, नाम और झंडा बदल के सत्ता के पाने के लिए उन्होंने जनता दल का गठन किया। और आपको आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, निश्चित रूप से आपको मालूम भी होगा कि जनता दल के पहले अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी थे जी। और उसमें अडवाणी साहब खाली एक स्पोक्स पर्सन के काम कर रहे थे जी। तो ये आप मत कहिए, राजनीतिक समझौते इस प्रकार से होते हैं। और आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को चलाने के लिए एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है, और इसको खाली राजनीति करने वाले लोग महसूस नहीं कर रहे, जो सत्ता दल में बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक सशक्त विपक्ष अगर बनेगा तो हो सकता है कि उनको सरकार चलाने में, देश की मंशा के रूप काम करने में आसानी होगी। और इसके ऊपर हर राजनीति करने वाला आदमी जो इस देश के लोकतंत्र को पसंद करता है, लोकतंत्र की जो लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहता है, वो सारे लोग इस दिशा में सोच रहे हैं। तो ब्रजमोहन जी आपसे एक सवाल है, क्या आप महसूस करते हैं कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता? संजय राउत की इस भावना के साथ सहमत है ब्रजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मानती है सोनिया गांधी और कांग्रेस को हटना चाहिए और पवार साहब के लिए अवसर देना चाहिए? मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी गठबंधन बनेगा उसमें बगैर कांग्रेस के उस गठबंधन को ताकत नहीं मिल सकती जी। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले हैं इस देश में जी। तो उनकी जो प्रेजेंस है
देश की राजनीति में, देश के मतदाताओं में उसको कोई नकार नहीं सकता जी। ये पूरा जो पूरा है ये सब गणित का खेल होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़वाने वाली पार्टी है, उनका जो विस्तार है वो एनसीपी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ये हम कहें अगर कि उस कोई सत्ता को हम लोग छीन लेंगे तो मैं सोचता हूँ इससे ना तो किसी को डरना चाहिए ना ये संभव है। हाँ, ये बात सच है कि जितनी बेहतर तरीके से शरद पवार जी हिंदुस्तान के सारे राजनेताओं को एकत्रित कर सकते हैं जी। वो क्षमता अभी इस मुल्क में जी। किसी भी नेता के पास नहीं है, ये मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ। शरद पवार जी एक वो नेता है जिन्होंने राजनीति की शुरुआत पूना में साइकिल की सीट पे खड़े होके अपने पोस्टर चिपकाने से शुरू की थी। उनको रैंक एंड फाइल की पूरी जानकारी है, विभाग चलाने का उनको बहुत अच्छा अनुभव है और उनमें वो जो गहराई होनी चाहिए एक राजनीतिक व्यक्ति में वो गहराई भी उनमें है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको अगर कोई अवसर मिलता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अंततोगत्वा ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला मैं बृजेंद्र सिंह जी या अग्निहोत्री जी या सिंह साहब नहीं कर सकते। निश्चित रूप से जो घटक दल के साथी हैं उनको बैठकर मेरिट्स पे बोलो, वो लोग सब राजनीतिक लोग हैं, वो मेरिट पे बैठ के फैसला करेंगे। और अगर आज उनको लगता है कि एक ऐसी विचारधारा का प्रसार प्रसार ज्यादा होता जा रहा है जो देश में नफरत की बात करते हैं, जो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि भाईचारा प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित रूप से सारे लोग एकत्रित होंगे। आप देखिए कि जब 1977 में अलग अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो यहाँ पे तो इत्तेफाक से यूपीए और यूपीए के जो घटक दल है उन सबों की विचारधारा एक मामले में बिल्कुल पक्की है कि हम देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों से खुल के लड़ेंगे, चाहे इसके क्या लिए कमाल की बात कही है ब्रजभानु श्रीवास्तव जी। इन नफरत वाली ताकतों में जिस शिवसेना का नाम बड़े आक्रामक तरीके से आप लिया करते थे अपनी सियासत में, आज नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में शिवसेना के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। बड़ी आसानी से बदल जाता है आपका नफरत के संदर्भ में परिभाषा का दायरा, थोड़ा रोशनी डालेंगे? इतनी ज्यादा नफरत की जगह प्रेम मोहब्बत आत्मीयता जो शिवसेना के प्रति आपकी बनी है, वाकई उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया या सत्ता में हिस्सेदारी ने सब कुछ बदल दिया? निश्चित रूप से उन्होंने अपने इस पूरे माहौल पे चिंतन मनन किया है और उसके बाद फिर ये सारा गठबंधन हुआ है। आप मुझे बताइए, जब अगर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ अलग अलग विचारधारा पे चुनाव लड़ने के बाद, अलग मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ने के बाद अगर वो लोग साथ काम कर सकते हैं तो यहाँ पे हम शिवसेना के साथ क्यों नहीं काम कर सकते? क्या आपत्ति है इसमें? और अभी ऐसा कौन सा पिछले 1.5 साल में कोई एक इंसिडेंट आप कोई ऐसा एक इंसिडेंट आप बताइए जहां पर कि ऐसा लगा हो कि ये एक दल की सरकार नहीं है, तीनों दल इतनी आपस में इतनी शक्ति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक दल की पार्टी है ये। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई ज्यादा विचार सोचना चाहिए या ब्रजभानु जी मानते हैं इस विषय में ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास सोचने के अपने कारण है। अनिल सिंह जी हमारे साथ में है, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इकाई के। अनिल जी, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत शरद पवार की जय जयकार कर रहे हैं, क्या आसन्न समय में जो मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं महाराष्ट्र में दिखाई दे रही हैं, तो क्या इस बार चुनाव एनसीपी के साथ ठीक ठाक तरीके से लड़ लिया जाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं संजय राउत? क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले हैं वो कांग्रेस पार्टी यूपीए का नेतृत्व छोड़कर कुछ वोट पाने वाली एनसी पार्टी के शरद पवार को नेतृत्व सौंप दे, ये मांग के मायने क्या है, थोड़ा रोशनी डालेंगे? हिमांशु भाई जी, बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा जी कि जिस पार्टी ने 70 वर्ष तक देश को खड़ा किया जी, संभाला जी, और आज जिस टाइम में आजादी के बाद जो हालात थे देश में, आज उस देश में खाद्यान्न से लेकर साधन संसाधन जिस पार्टी ने मुहैया कराया जी और देश को स्थापित किया, उसकी ये दशा और यूपीए की ये दशा, ये जरूर सोचने वाली और चिंतन करने वाली बात है। इसमें कोई मैं हिलावाई या गुमराह करने वाली बात नहीं कहूंगा जी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह एनडीए के हमारे साथी एक मदमस्त हाथी की तरह एक के बाद एक स्टेट जीते जा रहे हैं और लफ्फेबाजी करके पूरे देश को घूम घूम के गुमराह कर रहे हैं, तो ये अवश्य है कि अब चिंतन करने की आवश्यकता है कि इनके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा जी। ये बात सही है कि इस टाइम में स्थिति यूपीए की ठीक नहीं है जी, लेकिन अगर हम कहें सोनिया जी में, प्रियंका जी में, राहुल जी में नेतृत्व का अभाव है, अभाव नहीं है, उनके अंदर जींस हैं राजनीतिक,
उन्होंने 70 साल इस देश की सेवा करने वाले व्यक्तियों के साथ में काम किया, उनके परिवार ने बलिदान दिया है जी। लेकिन चक्कर यह है वर्तमान परिवेश में जो हाथी चर रहा है देश को, उसको अंकुश लगाने के लिए हमको यूपीओ को संगठित करना होगा। अब रही बात हमारे नेता ने क्या कहा जी, जो भी कहा है ये बात सही है कि वक्त की मांग है। इस टाइम में एनसीपी प्रमुख शरद जी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मुझको लगता है कि इस टाइम में उनसे ज्यादा विवेकशील व्यक्ति पूरे देश में नहीं है जी। वो जो उनका कार्य है, चाहे किसी भी मंत्रालय में रहे हो, कई सरकारों में रहे, उनका एक अनुभव है जी। और मुझको लगता है वो देश की नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं जी। तो हमारा प्रयास ये है कि यूपीए में कोई एक ऐसा वरिष्ठ नेता आए जो यूपीए को ढाल बनाकर एनडीए, अगर राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, उनकी क्षमता पे कोई हमको लगता है संदेश नहीं करना चाहिए जी। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग प्रभावहीन बने हुए हैं। उनकी क्षमताएं तो हैं, लेकिन जिस तरह आक्रामक रूप होना चाहिए एनडीए के खिलाफ वास्तविक समय में नहीं है जी। तो हमारे नेता ने अगर ये विषय उठाया है कि एनडीए में एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो अपने पराक्रम से जवाब दे सके, तो मुझको लगता है कुछ गलत नहीं है। और फिर इसमें किसी को नीचा दिखाने का अभिप्राय नहीं है कि सोनिया जी हार जाएंगी और एनडीए की वो यूपीए की बागडोर पवार जी को चली जाएगी, ये अहम का विषय नहीं है। इस टाइम वर्तमान प्रवेश में देश को संभालने की और विपक्ष की भूमिका अदा करने का अवसर है, और हमको लगता है यूपीए में इस बात का चिंतन भी हो रहा है। हम यूपीए के अन्य साथियों से भी, एनसीपी हैं और साथीगण हैं, वो सब इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करके, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी मैं आपके पास वापस लौटता हूं, फिर विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। एक सवाल है जो आपसे ही करना मुफीद रहेगा। यूपीए मजबूत तो तब होगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। शरद पवार जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, संजय राउत जिनका ना कांग्रेस से कोई नाता ना यूपीए से अभी तक कोई नाता, वो सुझाव दे ले रहे हैं यूपीए का नेतृत्व तो शरद पवार करें। क्या ब्रजमोहन श्रीवास्तव मानते हैं कि यूपीए से भी ज़्यादा जरूरी कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व देने की है, और शरद पवार के संदर्भ में कांग्रेस विचार करे उन्हें नेतृत्व देने के संदर्भ में, ऐसे किसी विचार के साथ क्या ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी साथ खड़े हैं, या उन्हें लगता है नहीं नहीं हम जो इलाकेदार हैं इतना ही पर्याप्त है और इसी के साथ में यूपीए की चौधराहट मिल जाए पर्याप्त रहेगा? कांग्रेस का जो मेरा अभी तक का अनुभव है, जब जब कांग्रेस कमजोर दिखती है जी, या जब कांग्रेस कमजोर हो जाती है जी, उसके बाद जब वो करवट लेती है, तो फिर एक बिल्कुल अपनी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक समीकरण है उनको बदल भी देती है जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, उसमें जितने राजनेता हैं, ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए कि वो इन सारी चीजों पे चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर भी चिंतन मनन चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो परिस्थिति बन रही है, जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, उनमें सबों को एकजुट होकर अपनी अपनी जो संगठन है उनको मजबूत करना होगा, उनको ताकतवर बनाना होगा। और इसमें कांग्रेस कहीं किसी से पीछे रहकर काम करने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस में लाखों लाख कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो जमीन पर रहकर काम करते हैं, और आज भी उनकी आस्था और विश्वास कांग्रेस के साथ है। मैं आपको इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले, वो हालात क्या थे? ना उनके पास धन था, ना उनके पास उम्मीदवारों के चयन का टाइम मिल पाया था, ना उनके वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवारों का प्रचार किया था। लेकिन जनता का विश्वास उनकी कांग्रेस की विचारधारा पे है। उस विचारधारा को वोट मिले हैं, आदमियों नेतृत्व को वोट नहीं मिला, विचारधारा को वोट मिला है। अगर आज कांग्रेस 12 करोड़ वोटर्स को भी अपने से जोड़ने का काम फिर से चला दे, तो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस सारे दलों से ताकतवर है। और आज कांग्रेस का हर व्यक्ति किसी ना किसी गांव में तो आपको मिल ही जाएगा। जहां तक आप एनसीपी की बात करते हैं, हम लोग सब भी कांग्रेस के शूट आउट है। हम लोगों ने कांग्रेस को जिया है, और हम लोग आज कांग्रेस की ताकत को देखते हैं। हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस को अगर हम लोग सब मिलजुल के पीछे से बैकिंग देंगे तो इसकी ताकत बढ़ेगी। और जहां तक बात शरद पवार जी की है, मैं फिर आपसे कह दूं, शरद पवार जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि किसी भी हालत में इस देश के अंदर नफरत की बात करने वाले लोगों को ताकतवर बनने का मौका ना मिले, इसके लिए वो सारा संघर्ष करते हैं। आज भी सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक सतत मेहनत करने वाला अगर कोई नेता है तो उसका नाम शरद पवार।
आपने सारी बात कह ली, सवाल का उत्तर नहीं दिया। आपसे जानने में दिलचस्पी थी, क्या शरद पवार की कांग्रेस में वापसी के संदर्भ में विचार की कोई संभावना आप देख पाते हैं, क्या इसकी कोई जरूरत महसूस कर पाते हैं? आपने सब कुछ कह लिया। कांग्रेस जब करवट लेती है तो जबरदस्त एक खड़ी होती है। 1977 के अलावा कब करवट ले ली कांग्रेस ने? कांग्रेस की फजीहत ही देख रहे हैं पिछले 4 दशक से हम, लगातार घटती हुई, रिसती हुई, ढहती हुई कांग्रेस ही दिखाई देती है। उसके बाद आप इतनी उम्मीद जगा रहे हैं किस भरोसे पर? 3 अंकों में तो पिछले 2 चुनावों में पहुंच नहीं पाई, उस कांग्रेस को लेकर इतनी उम्मीद के साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी क्या चाह रहे हैं आप? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व रहेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेगी। हम लोग यूपीए का हिस्सा हैं और यूपीए का हिस्सा बनकर हम ताकत से इस यूपीए को मजबूत करने का काम करेंगे, और जितने हमारे साथी, अगर शिवसेना हमारे साथ आएगी तो बिल्कुल काम करेगी, क्यों नहीं करेंगे। अगर यूपीए का जो एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा उस पर अगर सारे दल सहमत होते हैं तो कोई भी दल उसमें आमंत्रित। तो मैं आपसे एक ही सवाल कर लेता हूं ब्रजमोहन जी, और उसके बाद विनोद अग्निहोत्री जी के पास चलता हूं। शरद पवार इतने कुशल संगठक हैं, शरद पवार इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, शरद पवार इतने प्रभावी हैं, शरद पवार इतनी कुशलता रखते हैं, तो 1 साल हो गया आपको सरकार चलाते हुए महाराष्ट्र में, अभी तक शिवसेना को यूपीए गठबंधन का हिस्सा बनवाने में शरद पवार सफल नहीं हुए, या शरद पवार की इच्छा नहीं रही कि शिवसेना इस गठबंधन का हिस्सा बने? ये सवाल है, कुछ कहेंगे? मैं सोचता हूं इस मामले में शुरुआत ही नहीं हुई है, और जब होगी तो मैं नहीं सोचता कि यूपीए कभी इस मामले में, यूपीए के जो नेता है वो इनकार करेंगे। शिवसेना का अपना वजूद है। जो सवाल है वो सवाल तो यही है ना कि पिछले 1 साल में यूपीए का गठबंधन का हिस्सा शिवसेना नहीं बनी, शिवसेना को इस लायक नहीं समझा गया कि उसे अपने साथ रखा जाए यूपीए में राष्ट्रीय स्तर पर, शरद पवार का इतना इकबाल नहीं कि वो यूपीए के साथ शिवसेना को शामिल करा पाते, या कुल मिलाकर शिवसेना की कोई हैसियत ही नहीं है, तो इसलिए विचार क्या करना? कहीं तो कुछ कारण होगा, 1 साल से विचार ही नहीं हुआ, क्या कहेंगे इस पर? आपकी सारी बातें बिल्कुल निराधार हैं। शिवसेना एक महत्वपूर्ण पार्टी है, इस पे चूंकि यूपीए की अभी कोई बैठक नहीं हुई, आप बताइए कोई 1 साल में बैठक हुई है क्या? जब बैठक ही नहीं हुई तो यूपीए का हिस्सा कैसे बनेंगे? जिस दिन बैठक होगी उस दिन यह सारा फैसला हो जाएगा, इस पे क्या परेशानी है? और ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि पवार साहब ने कोशिश नहीं की, या जब मौका आएगा तो कोशिश होगी राजनीति में। आप बोल रहे हैं कि ये गलत बात है कि कोशिश नहीं की, तो आप बताइए ना कि कौन सी कोशिश हुई और किस तरीके से वो कोशिश सफल नहीं हुई। सर मैंने ये कहा कि कोशिश की जरूरत ही नहीं हुई अभी, क्योंकि जब बैठक होगी उस बैठक में तय होगा, एजेंडा तो बैठक में तय होता है ना। क्या अभी यूपीए की बैठक हुई इस साल में? इस साल में क्या? हमने तो 7 साल में यूपीए की बैठक होते हुए नहीं देखी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है ब्रजमोहन जी। लेकिन मैं विनोद जी आपके पास आता हूं, क्योंकि इस सवाल को और आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, और जानने में दिलचस्पी है कि क्या वाकई यूपीए कहीं कोई प्रासंगिक रह गया है? क्योंकि जिन पार्टियों की राज्य के स्तर पर कोई मौजूदगी है वो इस यूपीए के साथ नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस यूपीए का हिस्सा नहीं है, ये हम देख पाते हैं। हम बाकी अन्य तमाम पार्टियों के संदर्भ में बात करें, तृणमूल कांग्रेस के संदर्भ में वो किस तरीके से यूपीए का हिस्सा है? सारे समय तो यूपीए की किसी बैठक के संदर्भ में, यूपीए के किसी प्रदर्शन के संदर्भ में ममता बनर्जी तवज्जो नहीं देती। आपने स्वयं कहा कि किस प्रकार का व्यंग है हमारा, इस समय चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, तो यूपीए कहां रहा? तो आपसे सवाल है कि वाकई कोई यूपीए की प्रासंगिकता है, या एक नए सिरे से, जैसे पहले आपने देखा था तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आया था, इस देश में एक बार फिर किसी तीसरे मोर्चे की संभावना को आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, 2 मई को जो नतीजे आएंगे जी 5 राज्यों के चुनाव के, उसके बाद इस देश में विपक्ष की राजनीति की नई रूपरेखा तय होगी जी। जैसे नतीजे आएंगे उसी हिसाब से आएंगे। मैं एक कल्पनापूर्ण स्थिति रख सकता हूँ जी, कि अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीत जाती है जी, और कांग्रेस आसाम और केरल में वैसा नहीं कर पाती जैसा कि उम्मीद है, तो निश्चित रूप से फिर दबाव बढ़ेगा कांग्रेस के ऊपर यूपीए की का नेतृत्व तो छोड़ने का, और या तो शरद पवार या ममता बनर्जी जैसा कोई नेता उसका नेतृत्व तो संभाले, और अगर वो दबाव कांग्रेस नहीं मानती है तो तीसरे मोर्चे की गुंजाइश भी हो सकती है, जिसमें फिर जगन रेड्डी भी आ जाए और जिसमें चंद्रशेखर राव भी आ जाए, ये भी एक स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आसाम और केरल में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर जाती है और दोनों जगह सरकार बना लेती है, तब भले ही ममता बनर्जी बंगाल में जीत जाए तो फिर कांग्रेस मजबूत होगी यूपीए के अंदर, और फिर
यूपीए का पुनर्गठन होगा और कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व उस पर होगा। देखिए सारा खेल ये है कि कौन वोट जुटा लेता है जी। वोट का खेल है, कोई किसी से श्रद्धा विचार या आस्था से नहीं जुड़ता। ये जो पार्टी वोट दिला लेती है उसी के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो ग्लू है ना, ये वोट जीत दिलाने वाला है मामला। अगर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ेगी तो यूपीए में कांग्रेस का नेतृत्व मजबूत होगा, अगर कांग्रेस जीतती हुई नहीं दिखेगी तो फिर नई सूरत बनेगी। एक और सवाल आपसे जो करने का है, जो आपने बात कही इससे बिल्कुल उलट विषय के साथ में है। शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, मुख्य प्रवक्ता हैं, और उन्होंने मांग की है कि यूपीए का नेतृत्व जो है वो शरद पवार करें। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो कांग्रेस के साथ भी है और एनसीपी के साथ भी है। आपने एक घटक दल को खारिज करते हुए एनसीपी के साथ संबंधों को मधुर करने की कोशिश संजय राउत के बयान में है। क्या आपको लगता है कि आने वाला जो मध्यावधि चुनाव तमाम राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं, इन पांच राज्यों के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होगा, क्या संजय राउत की यह तैयारी है कि अगर चुनाव की नौबत आए तो शिवसेना और एनसीपी का संयुक्त गठबंधन मैदान में जाए? क्या इस दृष्टि से यह कदम बढ़ाया गया है और कहानी इस रूप में बनाई गई है? विनोद अग्निहोत्री जी, ऐसी कोई संभावना देख रहे हैं बतौर पत्रकार? देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय घमासान मचा हुआ है जी, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की जी, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर के वो परमवीर सिंह वाले पत्र को लेकर के जिस तरह हमलावर है जी, और मेरी तो जानकारी ये है कि भाजपा कुछ और तथ्य जुटा रही है और चाह रही है कुछ ऐसे मामले सामने आए जिससे कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसमें दरार पड़े और ये सरकार जो है अपने बोझ से गिरे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए और मध्यावधि चुनाव की स्थिति पैदा हो। मुझे लगता है कि शिवसेना ने भी उसी के तहत एक प्रोएक्टिव भूमिका में आते हुए एनसीपी के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने का एक वो किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो एक जो महाराष्ट्रियन सेंटीमेंट है जी, वो एनसीपी और शिवसेना दोनों में है। अगर कहीं गलती से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार महाराष्ट्र की सरकार को गिराने वाली गलती करती है तो निश्चित रूप से उस जो एक महाराष्ट्रियन प्राइड का जो मुद्दा है वो एनसीपी और शिवसेना उसको उठा सकते हैं। फिर कांग्रेस को तय करना होगा कि कांग्रेस इस गठबंधन के साथ रहे या न रहे, और फिर कांग्रेस ऐसी मजबूरी में होगी उसको रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति एक एनसीपी और शिवसेना मिलकर बना सकते हैं कि कांग्रेस चाह करके भी गठबंधन से अलग ना हो पाए, क्योंकि वहां तीन है घटक दल कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना, अगर दो एक साथ हो गए तो तीसरे की मजबूरी हो जाती है। एक सवाल आपसे और विनोद जी करूंगा, उसके बाद ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी के पास चलूंगा। वो सवाल मैंने ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी से किया था लेकिन उस सवाल का उत्तर उनसे अपेक्षित भी नहीं था, आपसे अपेक्षित है। क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी इस समय पर यूपीए का चेयरमैन बनकर यूपीए पर बोझ बनी हुई है? एक स्पष्ट सवाल कि क्या उनका चेयरमैन रहना यूपीए को किसी भी रूप में मजबूत कर रहा है, या आपको लगता है कि समय आ गया है कांग्रेस का अध्यक्ष पद वो जब भी छोड़े पर यूपीए के संदर्भ में कोई दूसरा व्यक्ति उसे संभाले ताकि कहीं कुछ गति, कुछ चमक, कुछ दमक इस गठबंधन के संदर्भ में देश महसूस कर पाए? ये मुझसे सवाल है जी, बिल्कुल आपसे ही सवाल है। और कौन देगा इनमें से उत्तर चार पैनलिस्ट के बीच में? आपसे ही उत्तर की अपेक्षा है इस पर? नहीं नहीं, देखिए निश्चित रूप से सोनिया गांधी की सेहत की जो स्थिति है, जिस तरह वो खुद पार्टी के प्रचार के लिए नहीं निकल पा रही है, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद और यूपीए का अध्यक्ष पद दोनों संभालना और उसमें समय देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जबकि इसमें अति सक्रिय यूपीए अध्यक्ष की जरूरत है, अति सक्रिय। तो सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो यूपीए का अध्यक्ष कोई सक्रिय व्यक्ति होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से ही हो। सकता है माने कांग्रेस का ही कोई नेता यूपीए का अध्यक्ष बन जाए, वो गुलाम नबी आजाद हो सकते हैं या कोई और वरिष्ठ नेता हो सकता है। लेकिन क्या सोनिया गांधी इसको छोड़ने के लिए तैयार होंगी या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार होगी, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए मैंने 2 मई का जिक्र किया कि 2 मई के बाद जो है फैसले होंगे। एक तरीका यह हो सकता है मांशु जी कि सोनिया जी अध्यक्ष बनी रहे और जो व्यवस्था अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए में थी कि एक संयोजक जी या कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार हो जाए या ममता बनर्जी हो जाए, कोई इस तरह का गैर कांग्रेस का नेता हो जाए और वो यूपीए को संचालित करे और सोनिया जी फिगर हेड के रूप में अध्यक्ष बनी रहे, कांग्रेस पार्टी का भी एक सम्मान रह जाए, एक फॉर्मूला यह भी बन सकता है। लेकिन सारी चीजें 2 मई के बाद तय होंगी। लेकिन कुल मिलाकर विनोद अग्निहोत्री जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यूपीए मौजूदा स्वरूप में तो कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि वह प्रकट रूप से इस गठबंधन को कोई नेतृत्व दे पाए। तो ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी, आपके पास वापस लौटते हैं। देश बड़ी उम्मीदों के साथ समय समय पर कांग्रेस की ओर आज भी देख लेता है,
आपसे जानना ही है कि कांग्रेस इतना ज्यादा देश को निराश क्यों कर रही है, ना अपने अध्यक्ष के संदर्भ में समय पर फैसला ले पाती है, ना ही विपक्ष की राजनीति को कोई दशा और दिशा दे पाती है। एक गठबंधन आपने बनाया और 7 साल में एक बैठक तक उस गठबंधन की कर पाने में आपकी पार्टी नाकाम रह रही है। इस नाकामी को लेकर, इस असफलता को लेकर, इस निष्क्रियता को लेकर कुछ कहने का हौसला ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी रखते हैं या इस विषय पर भी मौन ही रहना चाहते हैं कि ये मेरा विषय नहीं है, मैं क्या बोलूं? देखिए द्विवेदी जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप भी जानते हैं कि देश की आजादी से लेके अभी तक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्र के साथ चलने का काम किया है, धर्मनिरपेक्षता की जो है बागडोर समाज के और आगे बढ़ने का काम किया है जी। और कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं में एक बार नहीं कई बार, जैसे हमारे और साथियों ने कहा, परिवर्तन करके भी दिखाया है। सोनिया जी की बार बार बात हो रही, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वक्त ये था कि लोग चिंता कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब आगे देश कैसे चलेगा, लेकिन यूपीए 1 बना, यूपीए 2 बना, आपको मालूम है कि उस वक्त कौन था और किसकी भूमिका थी। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो चाहे प्रियंका जी हो, राहुल गांधी जी हो, जैसे हमारे अग्नोत्री साहब अनिल सिंह जी ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि ये परिस्थितियों में ही तो मध्यप्रदेश की सरकार बननी थी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, राजस्थान की सरकार बनी थी, पौंडचेरी की सरकार बनी थी, आसाम में भी गोवा में भी सरकार बनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया कि हमें किसी भी हालत में लोकतंत्र का गला घोंटना है। और उसी में जो गोवा की खरीदी फरीक्त हुई, मध्य प्रदेश के जो हालात बने, या हर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश है, पौंडचेरी की भी वही हालात है, महाराष्ट्र के भी वही हालात है, कि कहीं ना कहीं जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का हम काम करें। कहीं लोकतंत्र का एक तरीके से मजाक बना दिया गया है। मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं, आप अभी क्रिकेट का दौर चल रहा है, कितने सारे खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा जी हो, पुराने में भी अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर जी हो, गावस्कर जी हो, कपिल देव जी हो, या अपना बॉलरों में हम किसी की बात करें, वही प्लेयर छक्के मारता है, चौके मारता है और कई बार डबल सेंचुरी मारने के बाद वो जीरो पे भी आउट हो जाता है। तो जीरो पे आउट हो जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर खराब हो गया, उसके बाद वो दोबारा जो है डबल सेंचुरी मार देता है। तो ऐसे ही कांग्रेस में एक से एक लोग हैं जो अपनी क्षमता रखते हैं, हर परिस्थिति में लड़ने की और परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। और जब एक विचारधारा जो हमारी है, जो विचारधारा इस देश को तोड़ने का अघोषित रूप से काम कर रही है, उसके खिलाफ जितने लोग खड़े हैं और दूसरी विचारधारा के साथ जितने लोग यूपीए के साथ या नहीं भी यूपीए के घटक दल हैं लेकिन विचारधारा से जुड़े हैं, ऐसे लोग मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे और कमी आने पर कई नेतृत्व तो हमारे सामने। राठौड़ आपने क्रिकेट के आधार पर उदाहरण देके हमें समझाने की कोशिश की, मैं क्रिकेट के आधार पर ही आपसे सवाल कर लेता हूं। सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेला करते थे, गावस्कर बहुत अच्छा खेला करते थे, लेकिन उम्र के एक मुकाम पर आने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब उनके द्वारा इस किस्म का खेल, इस किस्म का नेतृत्व संभव नहीं है, सम्मानजनक तरीके से विदाई ले लिए। जानना चाहेंगे सोनिया गांधी कितने चुनाव हो चुके हैं पिछले जिसमें वह प्रचार के लिए तक नहीं गई, इसके बावजूद भी आप अपनी पार्टी में तो अध्यक्ष बनाए ही हुए हैं, यूपीए चेयरमैन के तौर पर भी बिठाए हुए हैं, जब तक यूपीए पूरा बैठ ना जाए तब तक बिठाए रखना है या यूपीए को कुछ खड़े होने लायक बनने देना है और संजय राउत की बात पर विचार करना है? सवाल है आपसे। सारे दल जो एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं वो चाहते हैं कि देश में ऐसी राजनीतिक पार्टी आए जिससे देश में अमन चैन हो जी, देश का विकास हो और दुनिया में हमारी साख बने और हमारे ऊपर जो है धर्म के ऊपर आधार पर बंटवारे का आरोप नहीं लगे, हर कोई चाहता है। तो स्वाभाविक रूप से वो सब लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। इसे मैंने पहले ही कहा कि यूपीए का जो गठबंधन है वो लोग बैठेंगे, अभी चुनाव के बाद रिजल्ट आएंगे, चुनाव के बाद बैठेंगे और जो भी निर्णय होगा सब स्वीकार करेंगे। और प्रदीप जी, आपने जो अभी बयान दिया है उसमें एक सवाल और करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा कि जिस सोच के साथ में, जिस विचारधारा के साथ में धर्म के आधार पर बात ना हो, तो क्या यही हिचकिचाहट है जिसके चलते शिवसेना 1 साल से महाराष्ट्र में भले ही आपकी सरकार का हिस्सा है पर देश के स्तर पर यूपीए का हिस्सा नहीं है, विचारधारा के स्तर पर सामने बैठता नहीं है, इसलिए यूपीए के स्तर पर दूरी बनाकर रखी हुई है? नहीं देखिए, ये तय तो शिवसेना करेगी,
आप संजय रावत जी का सवाल है, आप भी जानते हैं कई बार वो बड़े ताकत के साथ अपने बयानों को देते हैं और बगैर किसी चिंता के बयानों को देते हैं, और वो अपने पार्टी के ही उसमें कई लोगों के खिलाफ बोल जाते हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत राय है। जहां तक आपका उम्र का सवाल है, सेहत का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से दुनिया परिवर्तनशील है और जिंदगी भर तो सोनिया जी भी नहीं रहेंगे, एक वक्त तो वो भी रहेगा कि वो भी दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा। ये तो एक सता प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को आगे वो चलेगी, और जब सब लोग बैठेंगे और निश्चित रूप से कोई अच्छा निर्णय करेंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, अच्छा निर्णय करेंगे। लेकिन अनिल जी के पास मैं वापस लौटता हूँ, और अनिल जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपका विचार, क्या आपका अतीत, क्या आपके अतीत के तौर तरीके यूपीए में आपकी एंट्री को रोकते हैं, आपके दाखिले को रोकते हैं? इसे कितना अपमानपूर्ण महसूस करते हैं कि लोकसभा में दहाई में संख्या होते हुए भी यूपीए आपको अपने साथ जोड़े रखने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ, इस अपमान के संदर्भ में या इस उपेक्षा के संदर्भ में या इस अवहेलना के संदर्भ में क्या सोचते हैं अनिल सिंह जी बतौर शिवसेना नेता? हिमांशु भाई, हमारे विचारों को पूरा देश जानता है जी, और बाला साहब के विचारों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है जी। तो हमारे विचार किसी दूसरे लोगों से तुलना में कोई अपवित्र है ये मैं नहीं मानता हूँ। राष्ट्रीयता और हिंदुत्व हमारी परिभाषा पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, और इन्हीं विचारों के साथ हम यूपीए में भी हैं और एनडीए में भी हैं। हमने जो भी हमारे विचार रहे हैं, अब यूपीए में कब हो गए? एनडीए की बात तो समझ पाए, एनडीए का आपके पास इतिहास है, यूपीए में कब आ गए? यूपीए में तो आपको घटक दल के तौर पर काउंट भी नहीं किया जाता। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी साथ में बैठे, उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमारी बैठक भी नहीं हुई, आगे विचार करेंगे। आप अपने आप को यूपीए का हिस्सा कैसे मान लिए? सुन लीजिए, पिछले 6-7 वर्षों से यूपीए की कोई बैठक नहीं हुई है। अगर बैठक होगी तो उसमें हम निसंदेह ही होंगे। जब यूपीए के सारे अलायंस के साथ हम काम कर रहे हैं तो हम बाहर कहां से हैं? कांग्रेस का अधिकृत बयान है आज, यूपीए का हिस्सा नहीं है शिवसेना, शिवसेना की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और कितना अपमानपूर्ण वक्तव्य अपने संदर्भ में आप कांग्रेस से अपेक्षित रख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अनिल जी, आप कह रहे हैं हम हैं, वो बता रहे हैं नहीं है, और कितना चाहते हैं अपनी अवहेलना? हिमांशु भाई, पत्रकारिता एक अलग चीज है और व्यवहारिकता और राजनीति दूसरे चश्मे से देखिए। आप हमको उकसा कर या हमारे और साथियों को उकसा कर उस बात को दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते हैं। सत्य आप भी देख रहे हैं, तीन घटक दल एनडीए के खिलाफ कितनी पारदर्शिता से सरकार चला रही है, और आने वाले जब समय में यूपीए की बैठक होगी तो हम यूपीए के साथ होंगे, आज भी साथ में है। घटक दल है कि नहीं है ये आने वाले समय में बैठक हो जाने दीजिए, तय हो जाएगी। अनिल सिंह जी, विनोद अग्निहोत्री जी ने आपके सम्मुख ही तथ्य रखा, सम्माननीय ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा है राष्ट्रीय स्तर पर, और कांग्रेस पार्टी इस तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ देने के लिए बंगाल में वामपंथियों के साथ जोर लगा रही है। तो आपका यह दावा कि महाराष्ट्र में हम इनके साथ सरकार में तो हम यूपीए का हिस्सा कैसे नहीं है, इस दावे में कोई दम नहीं रह गया? कांग्रेस ने आज साफ कहा है आप यूपीए का हिस्सा नहीं है, जानने में दिलचस्पी है, थोड़ा रोशनी डालिए ना। और एनडीए में बड़ा दम्भ भरते थे, हमको भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा दम्भ था, और उन्होंने हमको भी निचोड़ने और उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जी। वो कोई पवित्र आत्मा नहीं थी एनडीए में जी, उनसे पीड़ित होकर ही हम यहाँ इस स्थिति में हैं जी। तो ये राजनीति के समय किस अवसर पे परिस्थितियों में परिवर्तन होती है, आप भी जानते हो देश के हालात ठीक नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने मनमाने तरीके से देश को किस तरह खंडित करने का काम कर रही है, वर्ण व्यवस्था से लेकर आर्थिक व्यवस्था तक सब जगह जहर बोने का काम कर रही है, तो ये बात सही है। विपक्ष का और यूपीए का मजबूत होना बहुत ही लाजमी है और आवश्यक है। इसमें बड़े बड़े विद्वान, हमारे पैनलिस्ट, आप जैसे विशुद्ध पत्रकार सभी चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी राष्ट्र और राष्ट्रीयता का कहीं बचाव संभव है। और एनडीए अगर इतना पवित्र होता हिमांशु भाई जी, तो हम एनडीए छोड़ के ना जाते। एनडीए तो पवित्र ही था, महाराष्ट्र में नेतृत्व आपको नहीं मिला इसलिए आपने छोड़ा, इसके अलावा और कोई विषय थोड़ी था। आपके नेता सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट तौर पर कहा
कि हमें नेतृत्व करना है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के तौर पर, शिवसेना को हिस्सा चाहिए, नहीं मिल रहा इसलिए छोड़ रहे हैं। क्या इसके अलावा विचार के स्तर पर कोई भिन्नता थी जिसके कारण आपने एनडीए छोड़ दिया, जिसके कारण भाजपा का साथ छोड़ दिया? मुख्यमंत्री पद नहीं मिला केवल इसलिए छोड़ा ना, या इसके अलावा कोई दूसरा तथ्य है जो आप साझा करना चाहेंगे? ये और कारण था साहब, इसलिए हम भाजपा से, इसलिए हम एनडीए से अलग हो गए। थोड़ा रोशनी डाल दे। भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न आप हिमांशु भाई जरूर पूछिए कि जब बिहार में उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है तो हम भी तो बड़े भाई थे, क्या छोटे भाई हो गए? बाला साहब की उंगली पकड़कर जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने महाराष्ट्र में स्थापित किया वो हमारे गिरेबान तक पहुंच गई, अपमानित कर रही है, छल कर रही है, कपट कर रही है, तो आप क्या चाहते हैं? आप तो सवाल का उत्तर देने के स्थान पर प्रति प्रश्न पे आ गए। आपसे तो सवाल सिर्फ इतना था, आपने कहा कि इतना पवित्र था क्या एनडीए का गठबंधन? हमने तो सवाल किया आपने छोड़ा किस बात पर, विचार के आधार पर या पद के आधार पर? आप स्वयं मानते हैं कि मुख्यमंत्री पद न मिलने के एवज में आपने एनडीए और भाजपा दोनों से नाता तोड़ा, इंकार है इस बात से, या मानते हैं कि हां हमने पद के लिए छोड़ा? हिमांशु भाई विचारों की बात जहां तक है तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों नहीं पूछते किस विचारों से महबूबा मुफ्ती के साथ में वो चले गए थे? महबूबा से प्यार, हमसे इनकार, उनसे पूछिए कि वो किस आधार पे चले गए थे महबूबा के साथ, कौन सी विचारधारा थी? अभी आप बताइए, अभी विचार की बात तो हो नहीं रही, विचार तो आपके साथ में, वो तो महबूबा के साथ में गले मिल लिए, लेकिन यूपीए आपको एक साल बाद भी अपना हिस्सा नहीं बनाया। सवाल तो इसको लेकर था, इसके संदर्भ में आप मौन रह जा रहे हैं। लेकिन ब्रजमोहन जी, मैं वापस आपके पास लौटता हूं और इस बात में दिलचस्पी है हमारी कि क्या शरद पवार उम्र के इस मुकाम पर, जैसे उम्र के संदर्भ में सवाल सोनिया गांधी के संदर्भ में है, शरद पवार की भी सक्रियता और सेहत सवालों के घेरे में रहती है। क्या आप मानते हैं कि शरद पवार की सेहत और उम्र वाकई इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उपयुक्त है, या वाकई यूपीए को कोई और विकल्प पर विचार करना चाहिए? शरद पवार, सोनिया गांधी अब मार्गदर्शक रह सकते हैं, कप्तान नहीं हो सकते? निश्चित रूप से शरद पवार जी स्वास्थ्य के मामले में किसी एक नौजवान के बराबर है। मैंने अभी आपसे कहा, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं था, मैं हर बात ध्यान से सुनता हूँ। 6 बजे उठते हैं, आपने ये कह दिया तो 6 बजे उठते हैं, इसके आधार पर हर व्यक्ति स्वस्थ घोषित नहीं हो जाएगा? ब्रजमोहन जी, इतना असावधानी के साथ कार्यक्रम नहीं कर रहा मैं कि आप कहते कि आपने ध्यान नहीं दिया। सुबह 6 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक सक्रिय रहते हैं, मैंने ये बोला। वो सक्रियता का मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जी, दोनों आधार पे। और मैं सोचता हूँ उनसे ज्यादा सक्रिय नेता अभी आपको हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो इतनी मेहनत करता और इतने लगातार लोगों से मिलते हो। 500 किलोमीटर की यात्रा वो खुद अपनी गाड़ी से करते हैं बाई रोड जी। तो इसलिए इस मामले में तो प्रश्न करना आपको बिल्कुल निरर्थक है। जहां तक बात आपने शिवसेना वाली की है, मैं अधिकृत नहीं उस मामले में बोलने के लिए, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी ने जो विश्वासघात किया था, बाला साहब के कमरे में बैठकर जो वायदा किया था, उससे नाराज होकर शिवसेना पीछे हटी थी। और मैं सोचता हूं कि उनको अब एक सही जगह मिली है, एक सही पार्टी मिली है, एक सही गठबंधन मिला है जहां पर कि वो भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जो बात बार बार अग्निहोत्री जी ने भी कहा, आपने भी इशारा किया, मध्य उत्तर महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का बाई इलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों पार्टियां बहुत एकजुट होकर काम कर रही है। परेशानी आ गई है देवेंद्र फडणवीस साहब को, उनको यह समझ में आ गया है कि उनके विधायक पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी आप देखिए जलगांव के अंदर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, उस पूरी की पूरी परिषद ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ किया और शिवसेना को एडॉप्ट किया, क्योंकि उनको यह पता लग गया है कि ये जो महागाड़ी की सरकार है ये जनहित के इतने बेहतर तरीके से काम कर रही है कि अगला ये 3.5 साल तो ये काम करेगी, इसके बाद 5 साल भी आने वाले दिनों में चुनाव उनको मौका मिलेगा। इसीलिए बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें अपने भविष्य को लेके एक चिंता पैदा हो गई है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब गिमिक कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक 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 प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री सबसे पहले शिकायत करने जाता है गृह सचिव के पास जी। तो गृह सचिव ने क्या बोला अंदर कि भाई आप मेरे पास गलत आए हो, आप गवर्नर साहब के पास जाइए। उनकी अभी यह समझ भी नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र की राजनीति वो करे कैसे, कभी जिलेटिन की छड़ों के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो कभी स्वर्गीय मनसुख भाई के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो कभी फिर उनको उस आदमी का लेटर बहुत महत्वपूर्ण लगने लगता है जो जिसके इसके पहले वो लगातार जिसके खिलाफ बोल रहे थे, सीपी परमवीर सिंह जी के खिलाफ
और आज वो परमवीर सिंह जी के लेटर को लेके एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बना के बात कर रहे हैं, तो वो तो भ्रमित है। मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता, ये पूरे तौर से भ्रमित होकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि कुछ चतुरे लोग होते हैं गांव में ना, तो किसी को बोलते हैं यार वहां पे खजाना मिलेगा, चल के वहां अपन अपन गड्ढा खोलेंगे, लेकिन हमारे लिए व्यवस्था करके रखना। तो कुछ ऐसे चतुरे लोग मिल गए हैं देवेंद्र फडणवीस साहब को, तो जो बता देते हैं अभी यहाँ पे गड्ढा खोदो, अभी सुशांत सिंह का गड्ढा खोदो, तो अपन बीजेपी को पटक देंगे, अपन इस एनडीए को मजबूत कर लेंगे महाराष्ट्र में, और किसी भी हालत में ये अगाड़ी की सरकार हट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप निश्चित जानिए। सामंजस्य बहुत बेहतर है, एक दूसरे के साथ अपनापन बहुत जबरदस्त है। आपसे एक बात जाननी है ब्रजमोहन जी, आपने कहा कि सरकार को कुछ नहीं होने वाला, इतना भरोसा, इतना विश्वास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति, अमित शाह जी की राजनीति के प्रति, जेपी नड्डा जी की अध्यक्ष के प्रति आपने पाया? वर्तमान में मौजूद केंद्र सरकार महाराष्ट्र के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन जैसा कोई कदम उठा नहीं सकती, इतना भरोसा, इतना आत्मविश्वास। शरद पवार जी जो संबंधों के बहुत धनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कोई आश्वासन ले आए जिसके चलते ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी को लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, सरकार पूरी चलने वाली है, क्योंकि लोग देख रहे हैं अराजकता और आरोपों से घिरी महाराष्ट्र की सरकार किसी भी क्षण केंद्र के स्तर पर बर्खास्त हो सकती है। आरोप बहुत गंभीर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आरोप गंभीर हैं, पर हाई कोर्ट में पहले जाइए। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी, इतना भरोसा कहां से लाए? आपके पास जानकारी गलत है। महाराष्ट्र में आज भी मुंबई के अंदर रात को 3 और 4 बजे एक अकेली महिला निकलती है, वो मजा ले कोई उसको छूले, आप कौन से अराजकता की बात कर रहे हैं? मैं उस अराजकता की बात कर रहा हूं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जिसके अंतर्गत आपकी महाराष्ट्र पुलिस का आदमी एक पूछताछ के लिए आए हुए आदमी की हत्या करा देता है, उस महाराष्ट्र के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कोई ऐतराज? अच्छा, और इस एक बात चलिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, एक एक क्या एक अगर कोई केस हो गया तो अराजकता का प्रचायक हो गया? एक केस का विषय नहीं है, जिस खाकी वर्दी को जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करने की, उसको सबसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाकर इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाया गया है, उसके संदर्भ में अपनी जवाबदेही से, अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दीजिए ब्रजमोहन श्रीवास्तव जैसे सुधी लोग, कैसे इसमें जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होगी? आज मुंबई के अंदर 8,000 API लेवल के अधिकारी हैं, क्या वो जिम्मेदारी कोई गृह मंत्री लेगा? कैसी बात कर रहे हैं आप? उसकी जिम्मेदारी इसलिए लेगा क्योंकि सचिन वाजे के समर्थन में प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम बयान देता है और बाद में वही शख्स किस मामलों में लिप्त दिखाई देता है, उससे इनकार कैसे कर देंगे आप? आपको फिर पूरी बात नहीं मालूम, आपने विधानसभा की प्रोसीडिंग नहीं देखी। देवेंद्र फडणवीस साहब ये चाहते थे विधानसभा में उस व्यक्ति का आप निलंबन करो, उद्धव ठाकरे साहब का कहना यह था कि विधानसभा में किसी का निलंबन करना ठीक नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए, वो चाहते थे कि निलंबन यहां पे हो। माफ करें ब्रजमोहन जी श्रीवास्तव जी, आपसे कम से कम कुतर्कों की उम्मीद कम से कम हमें कार्यक्रम में नहीं थी। विधानसभा की प्रोसीडिंग्स दोबारा देख लीजिएगा, अपने मुख्यमंत्री जी का बयान दोबारा देख लीजिएगा, सचिन वाजे के संदर्भ में किस तरीके के बयान है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इस निष्कर्ष के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है कि यूपीए के स्तर पर पुनर्गठन की जरूरत है, सक्षम नेतृत्व की जरूरत है, और वर्तमान में जिसके हिस्से में नेतृत्व है उसके स्तर पर इन दोनों ही भूमिकाओं के निर्वहन की उम्मीद नहीं है। लेकिन वो जिम्मेदारी शरद पवार को मिले या किसी अन्य को, ये फैसला तो यूपीए को ही करना है। पर ये बात तय है कि अगर इस देश में मजबूत विपक्ष की स्थिति को बनना है तो उसके लिए यूपीए में दोबारा से प्राणों का संचरित होना बेहद जरूरी है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि तूफानों में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये शेर लिखा है वो यूपीए पे मुफीद है। महसूस ये किया जा रहा है कि इस देश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के अवसर पूरी तौर पे मौजूद हैं, लेकिन वो भूमिका निभाई जाए इसके कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं, और शायद इसीलिए शेर कहा गया। उम्मीद है इस देश में जितने भी तमाम दल विपक्षी की भूमिका में है वो इस स्थिति पर विचार करेंगे और शायद आवश्यकता अनुसार कदम भी उठाएंगे। इस उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।